नाकामयाब लोग वो नहीं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, नाकामयाब लोग तो वो हैं जो सीखना नहीं चाहते। पहले बताते हैं, हम समझा रहे होते हैं, सारी चीजें बता रहे होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग सीखते हैं समझते हैं, लेकिन वही बहुत अफसोस भी होता है कि जो लोग सीखते समझते नहीं है और फिर नुकसान करने के बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको ऐसा कहाँ मिलेगा कि मार्केट में जो भी मूव आने वाला है आपको 10 मिनट पहले बता दिया जाए, आपको 1 घंटा पहले बता दिया जाए, अरे आपको 1 दिन पहले बता दिया जाए कि मार्केट में ये मूव है, ये एरिया है, यहां से ट्रेड करो। अब इससे ज्यादा मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आप अपना आईडी पासवर्ड मुझे दो और मैं खुद ट्रेड लगा दूं, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ, सही समझा सकता हूँ, मार्केट का आने वाला मूव बता सकता हूँ, लेकिन और आपके अकाउंट में खुद ट्रेड नहीं कर सकता। सही है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वया हुसैन। तो कैसे हैं सब लोग? तो आप लोगों के लिए मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हम, और जिसमें हम आपको बताएंगे गोल्ड का मूव, के गोल्ड बाय में जा रहा है, गोल्ड सेल में जा रहा है, डॉलर की क्या अपडेट है, और मार्केट आने वाले सिनेरियो में क्या मूव दे सकती है। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आज के दिन आप कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, आप कहाँ से फायदा उठा सकते हैं, और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलेगी, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग मिलेगी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हम मार्केट की तरफ। तो कल के दिन की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, जो लोग ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब वाले फॉलोअर्स फेसबुक पे नहीं है वो दोनों जगह पे आ जाए, यूट्यूब पे भी आ जाए, फेसबुक पे भी आ जाए। कुछ वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ मैं, कुछ वीडियोज फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ मैं। तो फेसबुक पे मैंने कल ये वीडियो अपलोड करी थी, कौन सी वाली थी, अच्छा जी 20 घंटे पहले, ये आपको टाइम दिख रहा होगा, 20 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे एक हमारे भाई हैं हमदान खान, माशाल्लाह अल्लाह इन्हें बहुत लंबी उम्र दे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने की तौफीक दे। इन भाई ने लिखा, व्हाट अ परफेक्ट एनालिसिस, थैंक्स गुरु, आई होप आई विल रन मोर फ्रॉम यू एस आई लर्न अ बिट फ्रॉम लर्न हैंड ट्रेड, थैंक्स फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। तो इन भाई ने हमें मैसेज पे भी बता दिया। तो आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि लोगों का फीडबैक भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, आपको सिर्फ ट्रेड सिग्नल नहीं दिखा रहा, मैं आपको लोगों का फीडबैक भी दिखा रहा हूँ कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है। सही है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे बताई हुई इन्फॉर्मेशन, 5 मिनट की वीडियो है। जो लोग ये वीडियो देखने के बाद, जो मैं अभी बना रहा हूँ, किसी को यकीन ना आ रहा हो तो ये वाली वीडियोस देखिएगा। इस वीडियो में आज के दिन की ट्रेड, कल के दिन ट्रेड भी करवाई थी, आज के दिन की भी ट्रेड थी, इसमें सब कुछ था। चले आज बैक टू द पवेलियन। अच्छा, तो मार्केट का सिनेरियो देखते हुए कल के दिन मैंने आपको एरिया बताया था विच इज अराउंड 1800 to 1894। ये आपको मैंने एरिया बताया था, ये प्रीवियस का हायर हाई था और प्रीवियस के हायर हाई के साथ प्रीवियस का जो मार्केट, एक मार्केट ने नया बनाया है उसका हायर लो भी था, तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया था। मैंने आपको बताया था जब मार्केट 1894 ब्रेक कर देगी 20 to 30 pips से, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड सेलिंग में आएगा, अदरवाइज जब तक ट्रेंड बुलिश में है। और यहाँ पे कल मैंने आपको बाय करवाई थी 1907 से, जो कि 1916 तक ऑनवर्ड्स बुलिश गया था प्राइस, वहां पे मैंने आपको ये चीज बता दी थी क्लियरली कि प्राइस जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदा 1-2 दिन की होल्डिंग करना चाहता है, बड़ी ट्रेड लेना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉपर एरिया बनता है 1894 to 1900 का एक क्लस्टर एरिया, इसके बीच में मार्केट आएगी। अब वहां से एक बाई की ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको 2, 4, 6 घंटे, 1-2 दिन का भी आपको अच्छा एक मूव दे सकता है, 1 दिन ये मूव आएगा। सही है। एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। आज सुबह के टाइम पे मार्केट ने सेलिंग का भी मूव दिया, उसके बाद सेलिंग का मूव दिया, एग्जैक्ट जो एरिया आपको बताया था। अच्छा, लोग मुझे बोलते हैं कि आपने हमें ये पूरा मूव पहले आपने बता दिया था, तो आपने सेलिंग का मूव क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं सिर्फ ट्रेंड में आपको ट्रेड कराना चाहता हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड मैं आपको ट्रेड नहीं कराना चाहता, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड का इशू ये होता है कि आपको कोई ट्रेड कुछ बताते हैं, आप उस अगेंस्ट द ट्रेंड को ट्रेंड समझते हैं, और अगेंस्ट द ट्रेंड को ट्रेंड समझने में आपका नुकसान होता है, आप गलत ट्रेड्स लेते जाते हैं। जैसे होता यह है कि अगेंस्ट द ट्रेंड में आपको ट्रेड दी, आपकी एक ट्रेड 50-60 pips पॉजिटिव आ गई, फिर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं, फिर ट्रेडर क्या करता है, 50-60 pips पॉजिटिव आ गई, एक ट्रेड एक और ले लेते हैं। अच्छा, जहां उस ट्रेड का प्रॉफिट अगेंस्ट द ट्रेड का क्लोज करना होता है, वहीं एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, उसकी कवरिंग में एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड है, अब जब जो पहली ट्रेड थी जो अगेंस्ट द ट्रेंड थी, ना वो क्लोज हुई, ना जो नीचे से लालच मिली ना वो क्लोज हुई, ये दोनों क्लोज नहीं हुई, इनको कवर करने के लिए एक और ट्रेड लग जाती है ऊपर से, और वो एक और ट्रेड जो है आपको लॉस लॉस सिर्फ लॉस कराती है, और वही ट्रेड्स होती हैं जो आपका अकाउंट वॉश कराती हैं। तो मैं लोगों का अकाउंट वॉश नहीं करवाना चाहता, ना चाहता हूं उनको अगेंस्ट द ट्रेंड बिठाऊं, इसलिए बोलता हूं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऑलवेज गो विद द फ्लो। अच्छा, तो मार्केट ने यहाँ पे आई, हम ट्रेंड के साथ थे, ट्रेंड हमने पता था हमें ट्रेंड कहाँ, ट्रेंड खत्म होगा 1894 to 95 पे, 94 95 पे ट्रेंड क्लोज हो जाएगा,
1884 टू 1885 पे जब ब्रेक होगा इसके नीचे 20 या 30 पिप से, तब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ, इस एरिया पे आई प्राइस, आके प्राइस बुलिश निकली। प्राइस तकरीबन यहाँ से 1896 से प्राइस तकरीबन 200 पिप का प्राइस मूव दे दिया। तकरीबन 1916-1915 तक प्राइस चली गया। बहुत इजी मूव था, पहले ही बताया था आपको। अब क्या होने वाला है, बात तो ये होती है कि अब क्या होने वाला है, ताकि कल को लोग ये ना बोले कि आपने सिर्फ अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी आपने उसकी वाह वाह करवाई। मैं उसकी वाह वाह नहीं करवा रहा, मैं आपको अभी की ट्रेड भी देता हूँ। अभी की ट्रेड आपको मिलनी है 1903 से 1905 के दरमियान में, सही। मैं आपको आपके लिए आसान कर देता हूँ, और स्नाइपर एंट्रीज चाहिए उसके लिए 1903 से लेके 1900 तक, 1903 से लेके 1900 तक का एरिया है। इस एरिया पे कोई कैंडल फॉर्मेशन आपको मिले, कोई आपको इंडिकेशन मिले, आपने वहां पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, सही है। उसके बाद बुलिश ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर लेनी है और फिर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। अच्छा, इसका मैं अगर इसका उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ये आपको कोई नहीं बताता, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका रिवर्स हो गया तो रिवर्स को हम कैसे बदलेंगे, मतलब जैसे कि सेलिंग में आने लगे मार्केट, मार्केट ने 1900 ब्रेक करा, मार्केट थोड़ा वेट करेगी, सही है। 1900 ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा आएगी 1900 पे, 1903 पे ब्रेक हो गया 1900, तो फिर हम तब अपनी कौन सी बाय की ट्रेड को क्लोज करके फिर हम सेलिंग साइड पे बैठेंगे। ये हमारा प्रॉपर प्लान है, ट्रेडिंग प्लान। अच्छा, मैं अब आपको समझाता हूँ कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आएगी, माशाल्लाह से आप सब बहुत अकलमंद हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे एक बड़ी सेल की कैंडल आई, सही है, बड़ी सेल की कैंडल आई। इसने यहाँ पे अभी यहाँ पे तो ब्रेक नहीं करा, सही है, वैसे इसने 1903 ब्रेक कर दिया, सही है। तो उसके बाद प्राइस फिर दोबारा उठी, प्राइस ने एक मौका दिया 1903 पे, लेट से हमने ट्रेड ली तो प्राइस 1905 पे गई, 20 पे प्रॉफिट में गई, हमने यहाँ पे ट्रेड क्लोज करी, फिर हमने वेट किया, हमने सोचा हम यहाँ पे ट्रेड लेते 1900 पे, 1900 पे, सही है। 1900 पे हमने ट्रेड देखी, सही है, प्राइस ने फिर ब्रेक कर दिया, सही, प्राइस ने दिखा दिया ये अपना नहीं स्टेबल रहेगी, हमने वेट किया। फिर देखें 1901 1902 से प्राइस ने टेस्टिंग ली, जहाँ पे फिर हमने 20 पिप का प्रॉफिट ले लिया और हमने एग्जिट ले ली, और फिर यहाँ से हम बैठ गए सेलिंग साइड, सेलिंग साइड बैठे पुल बैक से, और फिर प्राइस ने हमें प्रॉफिट दिया, हमने अपना प्रॉफिट लिया और हमने एग्जिट ली। प्राइस ने प्रॉफिट भी कितना दिया, प्राइस ने प्रॉफिट भी यहाँ से पक्के पक्के अकाउंटिंग करें 1901 से 1896 पूरे पूरे 50 पिप होते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम, 50 पिप दिए। 50 पिप का टारगेट अगेंस्ट द ट्रेंड बहुत होता है, सही है, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अगेंस्ट ट्रेंड बैठ रहे हैं 50 पिप का टारगेट इनफ होता है। ट्रेंड में बैठ रहे हैं 50 पिप, 100 पिप, 200 पिप का टारगेट, 150 पिप का टारगेट इनफ होता है। एक दिन के हम कुछ घंटों की ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेड थी आज के दिन की, जो कि हमारी प्राइस जब 1903 पे आए, 1900 पे आए, तब हमें बाइंग ट्रेंड देखनी है। कोई फॉर्मेशन लाजमी देखिएगा, फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए कैंडल फॉर्मेशन लाइक दिस, हैमर होनी चाहिए या डॉजी होनी चाहिए इस एरिया पे, उसके बाद एक बुलिश में कैंडल क्लोज हो जाए, भले 10 पिप निकल जाए, सही है, लेकिन ट्रेड कंफर्मेशन के बिना नहीं करिएगा। बाकी अपना आपने ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टीम बिग बुल को सपोर्ट करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें।